उठो ना, खुशी आई है, उठो। राखी के दिन बहनों को खुशी होती है, भाइयों की तो सिर्फ जेब खाली होती है। आप ऐसा सोचते हैं? अरे आप यहाँ? इन्हीं खुशी की बात कर रही थी मैं। खुशी क्या बात है, खुशी की बात है, मगर आज रक्षाबंधन है ना। आज का ही दिन मिला था। कुछ कहा तुमने? आज क्या दिन मिला है आने का। वेलकम वेलकम। अरे मुस्कान, जरा चाय कॉफी तो लाओ, हमारे घर में खुशी आई है, मेरा मतलब है खुशी जी आई हैं। अरे मैं तो कब से कह रही थी, पड़ोस में रहकर भी मिलने नहीं आती, तो आ तो गई मैं आज। क्यों आ गई? क्या आज आप आई? और देखिए हमें, मेरा मतलब है मुस्कान को और मुझे जो है वो मायके जाना है इनके। अरे मुस्कान तुम तैयार नहीं हुई, जाओ तैयार हो जाओ फटाफट से। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि शाम को चलेंगे, अभी धूप है। मैंने कहा था ऐसा? जी। वैसे एक बात कहूँ मुस्कान, प्रेम जी है बहुत हार्ड वर्किंग। कल मैंने देखा था इनको कंधे पर इतनी गर्मी में इतना बड़ा सिलेंडर बाहुबली की तरह उठाकर लेकर आए थे। ये आदमी 10-10 रुपए के लिए रिक्शे वालों से लड़ता है। रिक्शे वाले ने बेचारे ने 30 रुपए मांगे थे, 20 रुपए दूंगा इसीलिए कंधे पर सिलेंडर रखकर आए। अरे तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा था ना, अरे पैदल वाला होता तो बनते ना 30 रुपए। कल जो आपने प्रिंटेड शर्ट पहनी थी वो खराब जरूर हो गई होगी, लग बहुत अच्छी रही थी मुस्कान सच में। अब कहाँ से ली, कितने की ली? बुद्ध बाजार से 150 रुपए की, फैशन बाजार से 1500 रुपए की। तुमसे मैंने झूठ बोला था। आप लोगों की राखी बन गई? अरे कहाँ, इनकी बहन ही नहीं आई, मेरा भाई भी नहीं आ पाया। बताओ इतना बड़ा त्योहार है और ऑफिस वालों ने छुट्टी ही नहीं दी। पर तुम आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। एक काम करता हूँ, मैं आप लोग के लिए चाय बना के ले आता हूँ, है ना। आज प्रेम मुस्कान को बगल में लिए खुशी के साथ चाय पिएगा। आप बहुत फनी है प्रेम भाई साहब। भाई साहब क्यों बना रही हो? मैं चाय बना के लाता हूँ, है ना। चाय पी जाए और फिर तुम्हारे घर चला जाए। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये गंदी शर्ट क्यों पहन ली? गंदी कहाँ है, अच्छी तो है। हाँ इतनी भी गंदी नहीं है, मैंने तो ऐसी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दी थी, तभी मैंने पहनी है। एक दिन के लिए चल जाएगी। वैसे ना मेरे भाई के पास भी सेम शर्ट है। बिल्कुल नहीं चलेगी, मुझे लग रहा है। आई कैन फील इट, बहुत महक आ रही है, बदबू आ रही है इसमें से, उतार देता हूँ। एक मिनट, अब पहन लिया ना, पहने रहो। वैसे पता है एक बात और बताऊं, अगर आप साइड की मांग निकाल के बाल बनाएंगे ना तो एकदम भाई जैसे लगेंगे। सलमान भाई जैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई जैसे। मेरे इस साइड की मांग अच्छी लगती नहीं है कभी भी, गलती से मैंने इधर की मांग कर ली है, अब देखो कैसी लग रही है, ठीक है ना। अरे जैसे क्यों, तो इनको भाई बोल सकती है। अरे क्यों बोल सकती है, नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि मैंने देखा है लेडीज लोगों को, खुशी जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेडीज जो होती हैं वो रिक्शे वाले को, ऑटो वालों को भैया बुलाती हैं। बताइए मुझे, मैं कोई भैया दिखता हूँ? मैं कोई रिक्शे वाला दिखता हूँ? अरे यार आई एम अ ब्लडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भैया कैसे हो सकता हूँ मैं? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाने वाले जो भैया है उसकी बात कर रही है मुस्कान। तो बांधो बंधन। अरे पर ना इनकी बहन आ पाई है ना तुम्हारा भाई। पर मैं इन्हें राखी नहीं बांध सकती। क्यों? Because I am not a भैया kind of personality। क्यों खुशी जी? वो तो आप हैं। पर दिक्कत ये है कि भद्रकाल चल रहा है और ये शुभ नहीं होता इस मुहूर्त में किसी को राखी बांधना, और 9:02 के बाद ही राखी का शुभ मुहूर्त है, तभी राखी बांधी जाएगी। बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था, इसीलिए रात को जाने को कह रहा था। और एक काम करेंगे, वहीं रुक जाएंगे, अगले दिन 31 को वापसी आएंगे सीधा, ठीक है। अरे खुशी जी आप चाय लीजिए ना, बैठी क्यों है, लीजिए। बिल्कुल जी। थैंक यू यार।